हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. टुडे वी डिस्कस आवर सेकेंड चैप्टर चैलेंजेस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया. तो तार सब हेडिंग हूँ चैलेंजेस ऑफ इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, रीजनलिज्म, नक्सलाइट प्रॉब्लम एंड जेंडर इनइक्वालिटी. तो फर्स्ट हूँ फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी हैज बीन सक्सेसफुली फंक्शनिंग इन इंडिया सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950. When framing the constitution, the founding father of the constitution were fully aware regarding the challenges which the Indian democracy likely to be faced. So they also took several steps for meeting these challenges. The constitution of India contains several features which has been designed for meeting several socio-economic challenges. It clearly lays down several goals to be secured and means by the use of which the goal has been secured. The goals are detailedly defined in preamble and elaborated in the directive principle of the state policy. And for the mean, there are separate, and the mean are described in separate chapter of the preamble. Sorry, separate chapter of the constitution. Or the mean are separately described in the separate chapter of constitution. तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बा गणतंत्र शासन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन र माने इनॉग्रेशन थारू आज जाए चली सुरखुरी चली आसी. तो जिते बड़े कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होता जो आम सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस सब सोसाइटी अच्छी से सब चैलेंजेस आम कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सामना को आसवे बोली फाउंडिंग फादर जानी जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करते जानी से जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज को मीट करने फेस करने विभिन्न प्रकार स्टेप नहीं. तो कौन नहीं आमर कॉन्स्टिट्यूशन क्लीयरली मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न प्रकार फीचर्स अच्छी जहाँ जो फीचर्स गुड़ाक आम सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज को मीट करने फेस करने मानते सक्सेस हम. कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी गोल अच्छी जो गोल गुड़ा को स्टेट बा सेंटर टाइम टू टाइम सिक्योर करिवो बा फुलफिल करिवो आ किसी मीन अच्छी जो मीन द्वारा से गोल गुड़ा को फुलफिल हो पारिवो. आफ्टर एक्सप्रेसिंग फुल फेथ इन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया दैट इज विद द पीपल ऑफ इंडिया, the preamble of constitution define five cardinal features, that is sovereign, socialist, secular, democracy and republic. The term sovereign declared the independence of India, and the term socialist secular are the goal which to be secured, and the term democracy and republic are the means by use of these the goal to be secured. So the first line of our preamble con, we the people of India, that means India is a sovereign state, we the people of India. So we the people of India indicate the sovereignty of India. The first वी द पीपुल ऑफ इंडिया हाविंग सोलेमली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ये जाए कौन आम या मान हूँ आम भारतीय सिंसियरली इंडिया को आम सिंसियरली डिसाइड करू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडिया को गढ़ू केमी आज सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो द टर्म
सबरेन डिनोट दैट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सबरेन मीन्स विद द पीपल ऑफ इंडिया, डिनोट दैट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देन या कौन है मैं इंडिया सबरेनिटी उपर एक्सप्रेस फुल फेथ एक्सप्रेस कला लोक मान फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन लोक मान फुल फेथ एक्सप्रेस कर देन द प्रीएम्बल डिस्क्राइब बा डिफाइन फाइव कार्डिनल फीचर गुड़ा कौन फास्ट हूँ सबरेन, सबरेन हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया हूँ इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट आउ सेकुलर हूँ दुटा कार्डिनल आमर दुटा गोल जोटा को सिक्योर करवा टाइम टू टाइम। देन डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक यहाँ हूँ मेन डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक द्वारा आम कौन बाय द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वी कैन वी हाव टू सिक्योर आवर गोल, वी हाव सिक्योर आवर गोल है। देन द टर्म सबरेन डिनोट दैट नाउ इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन वेदर इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंडिया तर इंटरनल आउ एक्सटर्नल डिसीजन पे फ्री, नो वन कैन बी कंट्रोल ओवर द इंडिया, नो वन कैन फोर्स टू टेक एनी डिसीजन फॉर इंडिया। इंडिया एबे फ्री जेकोसी आंतर्जातिक बाहिक डिसीजन माने अभ्यंतरण बाहिक डिसीजन नापाई इंडिया एबे फ्री, इंडिया डिसाइडेड वेदर ही इट सी कीप एनी रिलेशन विथ अदर कंट्री और नॉट, तो इंडिया पर कई फोर्स कर पारिबे नाही, दैट इज सबरेन। आज सोशलिस्ट स्टेट इंडिया स्टैंड फॉर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल, सोशियो इकोनॉमिक एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट फॉर ऑल क्लास ऑफ पीपल। आज सेकुलर स्टेट इंडिया स्टैंड फॉर एब्सेंस ऑफ स्टेट रिलीजन, नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, इक्वल फ्रीडम टू रिलीजन्स टू ऑल इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन और इक्वल स्टेटस फॉर ऑल रिलीजन। एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया हैव फर्म फेथ इन पॉपुलर सॉवरेनिटी, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑफ ऑल, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेस्पोंसिबल अकाउंटेबल एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कौन है आम जो पांचटा कार्डिनल फीचर्स अच्छे फास्ट हूँ सबरेन, सबरेन मैं तो मुझे कहली इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन इंटरनली एंड एक्सटर्नल। देन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल, समस्त को सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलवा दरकार, इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल क्लासेस, समस्त को डेवलपमेंट इक्वल होगा दरकार। आज सेकुलर कंट्री इंडिया स्टैंड फॉर एब्सेंस ऑफ एनी ऑफिशियल एनी स्टेट रिलीजन, आम कौन गोटे ऑल्दो इन इंडिया देर आर 80% पीपुल आर हिंदू बट इंडिया इज नॉट ए हिंदू स्टेट, एब्सेंस ऑफ एनी रिलीजन बिकॉज इंडिया इज सेकुलर स्टेट, इंडिया हैज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और इक्वल रिलीजियस स्टेटस टू ऑल, सब रिलीजन को एका स्टेटस दिया जिबो। वी ऑल्सो एंजॉय राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आम जेको मुझे हिंदू अच्छी जदि मुझे मुस्लिम ख्रीटियान ईसाई जहाँ भी सिख जहाँ भी हो पार कहीं वी एंजॉय द आई हाव द राइट टू सिलेक्ट एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। हाँ देन एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया फर्म फेथ ऑन कौन पॉपुलर सॉवरेनिटी, देन फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्टेड रेस्पोंसिबल रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट। ये विषय में आगुरु बहुत डिस्कशन करछि सेति पई मु शॉर्टकटली माने स्किप कर जाऊँ। सिंस 1950 इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर
सिक्योरिटी किंतु ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ वर्शिप इक्वालिटी स्टेटस अपॉर्चुनिटी फ्रैटर्निटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन as listed in preamble along with this he tried to secure along with this it has been trying to achieve the implementation of socialist democratic and socialist liberal and democratic directives described in the part IV of the constitution part IV ta kon part IV is the DPSP by directive principle of the state policy except it the constitution of india also provide the system of parliamentary democracy working on the basis of the principle of the popular sovereignty equality secularism fully protected fundamental rights and freedom directly elected representative accountable limited and responsible government then direct regular free fair election separation of power independence of judiciary and rule of law the successive government has been continuously working in a democratic way for securing the goal and objective which lays down in our constitution the indian democracy has been continuous working as well as developing today indian democracy get worldwide recognition and today india has been perceived to the responsible democratic state a fast developing economy a responsible and advanced nuclear power and the state marching ahead to securing the status of superpower pahala since the independent since 1950 the indian democracy has been continuously working for securing the objective कौन आम जो ऑब्जेक्टिव सब अच्छी जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ एगुरा सब कौन आम ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल जो ऑब्जेक्टिव अच्छी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फ्रैटर्निटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये जो ऑब्जेक्टिव सब अच्छे सिक्योर करने भी चेस्टा करा व्यतीत आम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अच्छी पार्ट आई भी जो डिस्क्राइब होती तीनो कौन सोशल सोशल लिबरल डेमोक्रेटिक जो तीन टा प्रिंसिपल अच्छी भी मैंने सिक्योर करने को चेस्टा करसेप्ट कर चेस्टा करडप्ट कर चेस्टा करी कर चेस्टा करतीत इंडियान मैं कन्स्टिट्यूशन कौन मानने केमिका गोटे हूँ आमर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड करोटा कि कार्यकारी हुए केमी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी आमर इक्वालिटी सेकुलरिज्म ये सब जो अच्छी आमर मानने फीचर्स गुड़ाक आमर फुल्ली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम देन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल लिमिटेड गवर्नमेंट तापर आमर ड्यूली इलेक्टेड सॉरी डायरेक्टली इलेक्टेड डायरेक्ट फ्री रेगुलर फ्री फायर इलेक्शन आमर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी माने स्वाधीन न्यायिक व्यवस्था रूल ऑफ लॉ ए सब भी प्रचारण कर प्रसारण प्रसार कर सब फीचर्स को नहीं इंडियन डेमोक्रेसी हूँ कौन मान इंडिया जो गवर्नमेंट भी आसूसी चेष्टा कराने डेमोक्रेटिक वे सब गुड़ाक गोल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने आउ किसी कांश इंडियन डेमोक्रेसी ऑल्सो सक्सेसफुली अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्ट
गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टुडे इंडियन डेमोक्रेसी हूँ सक्सेसफुल मैंने गोटे हूँ कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वर्किंग डेमोक्रेसी आउ इंडियन डेमोक्रेसी इज द मैंने इंडिया रिकग्नाइज एज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट नुहे तो गोटे हाएस्ट रिकग्निशन से पाई मैंने गोटे हाएस्ट पोजिशन पाई एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडियन डेमोक्रेटिक होची कौन गोटे फास्ट सोशल इकोनॉमिक एडवांसिंग कंट्री। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी रैपिडली होची आमर सोशल डेवलपमेंट भी होची। अबे इंडिया ट्राई करुची गोटे तुम जानचो आम पांचटी सुपर पावर अच्छी तो इंडिया भी गोटे सुपर पावर स्टेटस गेट करने चेष्टा करुची। However, instead of those development, we have to admit that since Indian democracy has been facing several socio-economic political problem, political challenges. It has been successful, but mostly in the political dimension. In respect of the social and economic dimension, the successful is quietly partial and moderate. Despite the fact that presently India has been living with the world's largest rapid and developing economy, poverty, inequality, illiteracy, rural underdevelopment and slow development of infrastructure continuously keep Indian economy under strain. Instead of this development by ethe prakar discussion kale am Indian constitution kon kon step mane neichi for socio economic development pai sabu am discussion kale kintu ethe sabu development hela pore bi amko admit kariya padibo ba amko rajy bhag padibo je kon India re ebe bi kichi inequality बंची रही जदि किसी डेवलपमेंट होटा केवल पॉलिटिकल डिमेंशन पॉलिटिकल साइड रे सोशल डिमेंशन रे एबे भी मानते डेवलपमेंट हूँ क्वाइट मानते पार्शियल आउ मॉडरेट पूरा पूरा डेवलप होनी कहीं एबे भी आम सोसाइटी आमर इलिटरेसी अच्छी इनइक्वालिटी अच्छी आमर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी आम स्लो डेवलपमेंट अफ इनफ्रास्ट्रक्चर ये सब पॉवर्टी अच्छी एबे भी लोक मैंने फुटपाथ रे शौचान समस्त पाखे घर नाई खाइबा खाद्य पा ना ये सब प्रोब्लेम अच्छी या भितर आम सोसाइटी आम जो कौन सोशियाल इनइक्वालिटी जमी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी ये सब भी एपर्तंत अच्छी तो एगुड़ा जपर्यंत ये सब मैं दूर होनी से पर्यटन टोटाल इक्वालिटी टोटाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैंने आब्सोल्युटली आम स्टेट इम्प्लीमेंट हो पार ना। For the implementation of democratic government, absolutely, we should be eliminate this type of inequality. So let us discuss some type of inequality step by step. First, challenges of social inequality. The Constitution of India provide to its citizens several type of equality. तुम जान यू ऑल नो दैट फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनक्लूड्स सम टाइप ऑफ इक्वालिटी जमीती आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर सेक्स रेस आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 17 अबल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 18 कौन आर्टिकल 18 आम हूँ अबल्यूशन ऑफ टाइटल एमती आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल इक्वालिटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ दिस इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी स्टिल लिविंग विथ सेवरल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी which is adversely affected the Indian society. So India still continue to facing some problem
to becoming the fully democratic country of the world. So let us discuss the what is the problem before the Indian democracy to be the fully democratic country. What is the challenge, and make some suggestion for the overcome of these challenges. The first challenge is the challenge of social inequality. Mainly, there are two types of social inequality prevailing in any society. First is caste-based social inequality. Second is gender-based social inequality. Indian society is a caste-based society. Mainly, in Indian society, there are two types of class. First is upper class, or second is lower caste. In some part of India, particularly Bihar, UP, and in some other part of India, still there are class war, class revolution, and still there are live class discrimination. The people are live with the discrimination of caste. Although our constitution strictly prohibited that, no discrimination can be made on the basis of caste, color, sex, race, and place of birth. The Constitution of India also declared untouchability, prohibition of untouchability, and it is a crime punishable by the law. Uniform citizenship, equal right, universal adult franchise, and single electorate is the key characteristic of Indian democracy. Further, the Indian state has been directed for special step for the development of the weaker section of the society. There are also the reservation of seat for the legislature, admission of any institution, appointment of any government or private institution for the SC/ST also there. Literacy level also increase, and process of development also increase. But it is not sufficient to avoid the caste based inequality from the society. Originally, the Indian society had been got stratified into four classes, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. But now it is divided into various classes. In Brahmin classes, there are two types of as per my knowledge, there are two types of Brahmin. Brahmin gote hochanti pujak Brahmin, gote hochanti halua Brahmin. Same the Kshatriya re bahut gude Kshatriya hochanti. Same Vaishya dekhle bhi bahut Vaishya hochanti. Shudra ta bahut kahi habani ette gude hochanti. To originally se charta class thile, kintu charta re ebe 400 ki 4000 caste hei jaichanti. Till today, the Indian society is continued to be to the caste-ridden society. The most unfortunate development has been the caste-based violence, atrocity committed in the caste grounds. Each year, several cases based on atrocity against people of SC and ST are committed. Caste-based political party, caste-based pressure group, caste-based voting, caste-based society, etc. are create a major problem in society. So, our first inequality is caste-based inequality. So, somehow, Indian society is a caste-based society. India is a caste-based society. Mainly, there is two types of caste: upper caste and lower caste. Indian society. Upper caste loko thanti, lower caste loko thanti, and always the upper caste people are dominate the lower caste. So, bade
କହନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆର୍ଟିକିଲ 50 କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ କଲର୍ ସେକ୍ସ ରେସ୍ ରିଲିଜନ ଇଟିସି ଇଟିସି, ଆମେ କାହାକୁ କାଷ୍ଟ କଲର୍ ସେକ୍ସ ରେସ୍ ବା ରିଲିଜନ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବା ବାଛ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ 17ଟା କ'ଣ, ପ୍ରୋହିବିସନ ଆବୋଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି, କାହାକୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ହାଡ଼ି, ସେ ପାଣ, ସେ ଇଏ, ସେ ସିଏ, ଏସବୁ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପନିସେବୁଲ୍ ବାଇ ଦ ଲ। ଯଦି ବା ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବି ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁ ଦ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ SC ST ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳକୁ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସିଟ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଛି। ଆମର ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ସବୁ ହେଲେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସୋସାଇଟି, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମାନେ କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ପାଇଁ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ କେସ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଆନସିନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆନସିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାତ୍ର 4ଟି କାଷ୍ଟ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ 4ଟି କାଷ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4ଟା କାଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇକି ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରଫେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇକି ହଜାର ହଜାର କାଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 2ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏପଟେ, ଗୋଟେ ହଳୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କ'ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆଗ ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ବି ଆମର ସବୁ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି, କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ସପୋଜ୍ ମୋ ଗାଁରେ ମୋ କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେ ପଛେ ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ନିଜ କାଷ୍ଟ ଲୋକ କେବେ ଆମ କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ମାନେ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଦ ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ଫେସିଂ ଦ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ଫର୍ ଏଲିମିନେଟିଂ ଦ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜେଣ୍ଡର ବେସ୍ଡ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି।